हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रवि कुमार। हम लोग फिर से आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह प्रीवियस दरोगा के एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पैटर्न रहता है। तो आए दिन कुछ क्वेश्चंस हम लोग के मैच हो जाते हैं। चलिए, हम लोग बिना लेट किए हुए हम लोग अपने चलते हैं प्रश्न। ये बिहार SI मुख्य परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरह का सवाल पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो भाई साहब सिंपल सा है, सुनहरा चावल जो गोल्डन राइस होता है वो जीरो थैलेमिया के रोग के लिए बचाव में होता है। ठीक है ना, किसमें होता है? जीरो थैलेमिया में होता है। सुनहरा चावल गोल्डन राइस होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से उत्पादित चावल है, कि एक प्रजाति है। अच्छा, याद रखिएगा, सुनहरा चावल जो होता है सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये फिलीपींस में हुआ था। ठीक है, और इसको एक और क्वेश्चन पूछता है कि सुनहरा चावल को सबसे पहले किस देश के या किस देश में इसको रोपने या बोने या करने की मतलब की पहली मिल थी, मतलब सबसे पहले किस देश को उसको अनुमति दिया गया था। तो फिलीपींस ने इसको सबसे पहले बार अनुमति भी दिया था। इस बात को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ठीक है ना, तो पता ही है सबको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन से संबंधित है। जो ओजोन परत का जो क्षय होता था उसी से संबंधित है, कि CFC के कारण जो होता था क्षय होता था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1987 में हुआ था, 1987 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? तो मॉन्ट्रियल जगह पे हुआ था, इसे जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये कहाँ पे है? तो कनाडा में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि प्रभावी कब से हुआ था? तो 1 जनवरी 1989 को हुआ था प्रभावी। ठीक है, टाइफाइड या मियादी बुखार फैलता है। तो टाइफाइड मैदे बुखार कैसे बनता है? पता है, गंदा पानी पीने से या खाद्य पदार्थ को जो होता है, क्या होता है? दूषित भोजन या दूषित पानी पीने से मियादी बुखार या टाइफाइड बुखार होता है। याद रखिएगा, पूछता पोषण हर सर, बुखार हो गया, चाहे आपका वायु से फैलने वाले रोग हो गया, या और भी तरीके पूछते हैं, जैसे कि विषाणु से, कीटाणु, उसके से, जीवाणु से, और इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है। हर साल एक क्वेश्चन बनता ही है। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? रोहू, कतला, इलेक्ट्रिक रे, कुत्ता मछली। तो स्वच्छ जल की पूछा है, तो इसमें आपका रोहू और कतला है। ठीक है ना, रोहू और कतला जो है स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं। ये 5 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछता है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो भैया वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। और ये कब हुआ था? 1906 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो देखिएगा, कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है भारत में? कामेट है ना, मकालू हो गया, या नामचा बरवा हो गया, अन्नपूर्णा देवी, ये सब कहाँ पे है? भारत में है, लेकिन साथ में किसी ना किसी देश में थोड़ा थोड़ा इसका बॉर्डर शेयर करता है, तो इसलिए चलिए। और कामेट कहाँ पे है? तो भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में है। जापान के योकोहामा शहर वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिसमें संदर्भ किया था वह है, तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। ठीक है ना, योकोहामा शहर में क्या किया गया था जापान में 1994 में? तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए किया गया था, जो कि UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के लिए किया गया था। यह दूसरा सम्मेलन 2005 में किया गया था कोबे, ये भी जापान में हुआ था, और तीसरा भी जापान के 2015 में ही किया गया था। तो याद रखिएगा, पहला 1994 में, दूसरा 2005 में, ये भी जापान में है, तीसरा जापान के कोबो में, कौन से शहर में? तो कोबे में, तीसरा 2015 में, ये भी कहाँ? जापान में, जापान के सेंडाई में। ठीक है, ये 3 सम्मेलन हुआ। तो याद रखिएगा, 1994, 2005 और 2015, तो सीरीज में याद रखिएगा, 94, 2005, 2015। आइए तीसरा क्वेश्चन, कि भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो भैया असम में। नून माटी कहाँ है? तो असम में है। ठीक है ना, नून माटी कारखाना कहाँ है, तेल कारखाना? तो असम में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा, अच्छा डिगबोई भी वहीं पे है, याद रखिएगा असम में। और क्या है? डिगबोई। अच्छा, भारतवर्ष का नून तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो असम में। ठीक है ना, कहाँ पे है? तो असम में है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिगवे भी असम में, याद रखिएगा सब चीज़ क्वेश्चन पूछता है। और इसकी स्थापना इंडियन आयल द्वारा 1962 में की गई थी, ठीक है, किसकी, नून माटी तिल सुधा करने का। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था, तो अकबर के कहने में, याद रखिएगा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ देगा कि गुलबदन बेगम हुमायूं नामा किसके कहने पर लिखी थी, तो अकबर के कहने पर। तो और गुलबदन बेगम जो थी मुगल शासक किसकी पुत्री थी, तो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी, जिसने हुमायूं नामा अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर लिखा था। इसमें बाबर काल में संक्षिप्त विवरण के साथ हुमायूं के काल में विस्तृत विवरण मिलता है। याद रखिएगा क्या क्या क्वेश्चन बन गया इसमें, कि गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी, तो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी, और इसने हुमायूं नामा ही लिखा था, हुमायूं की बहन थी, और अकबर के अनुरोध पर अपने भतीजे, किसका अकबर का भतीजा था, किसका, गुलबदन बेगम का भतीजा था, तो उसी के कहने पर क्या लिखा था, हुमायूं नामा लिखा। चलिए ठीक है आगे कह रहा है कि सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कह रहा है सीरी के शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण, क्या क्या, सीरी के शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, याद करना इतना सा बात है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि सीरी का शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे सवाल बनते हैं थोड़ा क्वेश्चन, ये क्योंकि सल्तनत काल का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अलाउद्दीन जो खिलजी था, ये खिलजी वंश का था, इसके चाचा जो थे है ना, जो कि ये खिलजी वंश का स्थापना किए थे, जियाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, और उनकी हत्या करके ये बना था। इसने चार प्रकार के मार्केट का निर्माण करवाया था। पहला, इसने जो इक्ता प्रथा था उसको ख़त्म कर कर कैश, मतलब कि वेतन देने का जो था प्रथा, स्टार्ट किया कैश में, ठीक है, अस्थाई सेना रखने के बाद उसने कैश वेतन दिया। चार प्रकार का मार्केट बनवाया। हाँ, घोड़ा दागने की प्रथा की, घोड़ा जो था दागने की प्रथा स्टार्ट करवाया, कि जो अच्छा घोड़ा होगा उसके पैर पे, जो खाने वाला घोड़ा होगा उसके पेट पर, मतलब कि घोड़ा दागने की प्रथा स्टार्ट करवा, मतलब इतने सारे बहुत सारे काम कौन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अब आते हैं आगे, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो उदय सिंह था, ठीक है ना। जब अकबर 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो वहाँ का शासक कौन था, तो शासक था उदय सिंह, याद रखना है। और एक और बात क्वेश्चन पूछ देगा ना, कि चित्तौड़ पर अकबर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 1567 पे। लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन एक और पूछेगा, आक्रमण तो किया था 1567 में, लेकिन उस पर कब्जा कब कर लिया था, तो 1568 में, ठीक, एक साल बाद उस पर हड़प लिया था, उसको अपने सेना में मिला लिया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि चित्तौड़ पे आक्रमण कब किया था, तो उदय सिंह के कार्यकाल में किया था, और 1567 में किया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सबको पता है सासाराम, जिसको लोग रोहतास जिला भी कहते हैं, बिहार में स्थित है। चलिए, कथा सरित सागर के लेखक कौन है, लेते हैं कौन है, तो इसमें से सोमदेव हो जाएगा, ठीक है, आगे नहीं देखना जरूरत पड़ेगा। कथा सरित सागर के लेखक कौन है, तो सोमदेव है। चलिए आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था, तो आर्यभट्ट थे, पता ही आपको, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत ये सब लिखे हुए थे आर्यभट्ट, ठीक है ना, आर्यभट्टियम हो गया, सूर्य सिद्धांत हो गया, ये सब किताब कौन लिखे हैं, तो आर्यभट्ट ने लिखा है। और गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ठीक है ना, गुप्त काल में। आइए, निम्न में से कौन से जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, तो कौन थे भाई साहब, पार्श्वनाथ थे 23वें, 24वें महावीर स्वामी हो जाएंगे, ऋषभदेव प्रथम हो जाएंगे, ठीक है ना, याद रखना है, और नेमिनाथ 22वें हो जाएंगे। निमांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा, वो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो दयानंद सरस्वती ने। कह रहे हैं कि निमांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द की प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, क्योंकि देखिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो स्वराज जो मांग 1906 में किया गया था, याद है आपको, कब किया गया था, 1906 में, जब दादा भाई नौरोजी क्या थे, दादा भाई नौरोजी
जो थे उस टाइम में दादा भाई नौरोजी साहब थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का मांग किया गया। कहाँ पे? तो कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, 1906 में जब दादा भाई नौरोजी थे वहाँ के अध्यक्ष, तो इनके टाइम में स्वराज शब्द का मांग किया गया। लेकिन सबसे पहला बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, पूर्ण स्वराज की बात आती है एक बार, तो पूर्ण स्वराज की जब बात आएगी तो ये भी मांग उठा था कब? 1929 में, कहाँ? लाहौर अधिवेशन में, जब रावी नदी के किनारे हुए थे। उसके अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो हो गया। तो क्वेश्चन क्या था अपना, कि हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का डिमांड रखा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आइए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय महिला बोलेगा ना तो सरोजनी नायडू, भारतीय महिला। लेकिन वही बोलेगा ना कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यहाँ से भारतीय अगर हटा दे तो कौन थी? तो ये था एनी बेसेंट, याद रखिएगा, 1917 में, है ना, कौन थी? एनी बेसेंट बनी थी, जो 1917 में, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में। ये जो बनी थी पहली बार, ये बनी थी कानपुर अधिवेशन में, है ना, कानपुर अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो उसी विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। और गांधी जी ने क्या लौटा दिया था? गांधी जी ने अपना जो उनको मिला था एक उपाधि, जिसको हम लोग क्या उपाधि नाम से जानते थे, जो कि एक महारानी विक्टोरिया को भी मिला था, है ना, तो वो उपाधि गांधी जी ने लौटा दिया था। बहुत सारे लोग अपना उपाधि लौटाने का स्टार्ट किया था, कि जलियांवाला कांड जो हुआ तो बहुत ही दयनीय हुआ था, और जनरल डायर ने किया था। चलिए, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल के कितने प्रांतों में बने थे? तो 8 में बने थे, 6 में बने थे, 9 में या 7 में? तो याद रखना है, कितने में बने थे? 6 में बने थे। 1937 का कांग्रेस मंत्रिमंडल में प्रांतों में कितने बने थे? तो 6 बने थे, याद रखना है, सिंपल सा, 1937 याद रखना। और बिहार में उस टाइम 1937 में प्रधानमंत्री बने थे जो मोहम्मद यूनुस थे, वो प्रधानमंत्री बिहार के अंतरिम बिहार में बना था, ठीक है ना, याद रखना है। और 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो 6 बने थे, ठीक है, याद रखना, कितने बने थे? 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल बने थे। आइए, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी, सिंपल से याद रखना है। और समीमुल्ला और आगा खान आदि द्वारा की गई थी, ढाका में किया गया था, ठीक है ना। आगे चलकर 1940 में पाकिस्तान का मांग हुआ, फिर उसके बाद से आगे चलकर अध्यक्ष बना, इनकी 40 में एक बैठक हुई, लाहौर अधिवेशन हुआ 42-40 में ही। चलिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो एम जी रनाडे, है ना, महागोविंद रनाडे साहब थे, है ना। और इसमें दो तीन लोग और भी थे, केशव चंद्र सेन थे, है ना, और भी लोग मिले थे, सब मिलकर बनाए थे। कब बनाए थे? तो ये 1867 ईस्वी में बना था। और प्रार्थना समाज के सदस्य महागोविंद रनाडे जो थे 1869 में बने थे, तभी विकल्प ए ही सही है, और केशव चंद्र सेन भी रहेगा तो साथ में आंसर सही हो जाएगा दोनों। चलिए, 21-24-22 की ओर चलते हम लोग। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को वर्ष को हुआ था? तो तारीख पूछ रहा है, तो याद रखिएगा, तारीख जो है ना 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था, ठीक है ना। तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट है, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट है और 6 अप्रैल 1930 को दांडी जगह पर जाके ख़त्म हुआ था। तो साबरमती से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से? साबरमती से, है ना, याद रखने वाली बात है थोड़ा सा, कि साबरमती से स्टार्ट हुआ था और दांडी जाके ख़त्म हुआ था। तो 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था और 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, बात ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है, क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाती है, है ना। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है।
बैंक दर को बढ़ाने वाला प्रभाव कम हो जाए, यदि क्या हो जाए तो CRR कम कर दी जाए, है ना। CRR क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो बैंक दर को बढ़ाने वाला जो प्रभाव था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो बैंक दर जो हमेशा अपना ब्याज बढ़ाती है और घटाती है, तो घटाती तो अच्छी बात है, लेकिन जब बढ़ाती है तो क्या होगा कि बैंक दर क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा या प्रभाव, यानी कम हो जाए, बैंक दर कम हो जाए, हमेशा बढ़े नहीं घटे, तो क्या कर दिया जाए, तो CRR कम कर दिया जाए, जिससे बैंक दर को जो होगा वो बढ़ने का प्रभाव हो जाएगा कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है। अब टोटल महारत्न कंपनी जो है कितने हो गए हैं, 14 हो गए हैं, है ना। तो देखिए निम्नलिखित सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है, तो डी BSNL तो आज भी महारत्न कंपनी नहीं है, भेल गेल सेल है, उसके बाद से BPCL है, उसके बाद से SPCL है, सेल है, गेल है, RC है, पावर फाइनेंस है, IOCL है, NTPC है, ONGC है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड है, BPCL है, भेल है, ये सब क्या हो गया, ये सब सब आपका महारत्न कंपनी हो गया, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, निम्न में से बहुयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा है, तो इसमें गलत हो जाएगा, कह रहा है कि प्रत्येक प्राचल के समान भार दिया गया है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। सूचकांक में प्राचल 10 शामिल है, ये सही हो जाएगा। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया, ये सही है। सूचकांक में 3 आयाम स्वस्थ, शिक्षा और जीवन स्तर है ना, क्या क्या है, स्वस्थ, स्वास्थ्य हो जाएगा, याद रखिएगा क्या क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य, उसके बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये आपका 3 हो जाएगा। सूचकांक के 3 आयाम, गरीबी आयाम को देखा जाता है, 3 चीज़ देखा जाता है कि स्वास्थ्य उस एरिया का, उस देश का कैसा है, शिक्षा कैसा व्यवस्था है, जीवन स्तर कैसा है, जीवन प्रत्याशा कैसा है। सूचकांक प्रत्येक आपको समान भार, मतलब हर चीज़ को एक एक इक्वल देगा, और सूचकांक में 10 प्रचलन शामिल होते हैं, प्रत्येक प्रचलन को समान भार दिया जाता है, ठीक है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। आगे 28-29 नंबर, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, तो इसमें 2 लोग सही हो जाएंगे, है ना, डी और बी, तो PC महलनोबिस हो जाएंगे और पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, मतलब दोनों लोग जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, है ना। कौन कौन सही लोग हो जाएगा, तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, तो PC महलनोबिस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों हो जाएंगे। 1950 में योजना आयोग के आए थे, ड्राफ्ट कमेटी। निम्नलिखित में से उनकी की पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो याद रखिए रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं होता है, विदेशी विनिमय धन का संरक्षण करना एकदम होता है, करेंसी जारी करना होता है, जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना ये नहीं होता है, नगद आरक्षण का संरक्षण ये भी होता है, लेकिन ये जमा का प्राप्त जमाओं का कौन देती है, तो बैंक होती है, SBI हो गया, PNB हो गया, SDFC हो गया, जो निजी बैंक जो हम लोग का चलता है, सरकारी बैंक होता है, RBI का काम ये नहीं होता है, बाकी सब कार्य क्या है, RBI का है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण होता है, तो पीली क्रांति से हुआ था, है ना, नीली क्रांति तो आपको पता है मछली से है, भूरी क्रांति आप उर्वरक से है, श्वेत क्रांति आपका अंडा से है। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो केरल राज्य में, सबको पता है ना, शिशु दर कम किस में है, केरल राज्य में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है, WTO का, WHO का, है ना, ये सबका कहाँ है, जिनेवा में है। चलिए, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किस भाग में उसका समावेश किया गया था, तो भाग 4 के क में, ठीक है। और आर्टिकल बोलेगा तो 51 के ए में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है, तो ये हेंगले का है, कह रहा है कि का नाम है कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, जो राजा होता है या राज्य जो होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये किसका कहा नाम था, किसके विचारक का कथन था, तो हेगेल का था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था कब, तो आपको बताया था 1346 को, इसका एक कहानी है, जब बता देंगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिएगा, 9, इसका छोटा सा एक फॉर्मूला है याद रखने का, ट्रिक से, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, ठीक है, और 13 दिसंबर 1946, ये 3 डेट याद रखिएगा, सिंपल सा ट्रिक है ना, तीनों डेट याद रखने में फ़ायदा क्या है कि हमको कंफ्यूजन नहीं होता है। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता, अस्थाई सदस्य बने थे कौन, सत्यनारायण सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को क्या होता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई सदस्य बने थे। और 13 दिसंबर 1946 को क्या होता, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पूर्ण रूप से लागू हो गया, जिसके बाद वो प्रस्तावना बन गया। ठीक है, चलिए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसमें 1929 में, अभी कुछ देर पहले बनाते लाहौर में रावी नदी के किनारे, जब उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। चलिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष बोलेगा ना तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये अध्याय अध्यक्ष अस्थाई पूछे, अस्थाई इसमें नहीं बोला है, अगर प्रथम बोले तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की आरंभ की गई थी? तो 1909, याद रखिएगा। और इसको सांप्रदायिक पंचायत निर्वाचन भी, जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? वंशानुक्रम, जन्म, अधिग्रहित संपत्ति, देशीकरण। तो अधिग्रहित संपत्ति, ठीक है ना, क्या आवश्यक नहीं है पूछा है, तो इसमें नहीं है, मतलब अधिग्रहित संपत्ति जो है ये नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करते हैं? तो उपाध्यक्ष को करते हैं, पहले भी पढ़े हुए हम लोग करें कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो उपाध्यक्ष को करते हैं। ठीक है ना, वहीं फिर अध्यक्ष बोलेगा किसको करता है? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को करता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को करता है, याद रखिएगा। और संविधान 94 के तहत करता है। भारत में किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? तो देखिए, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में नहीं है, और जम्मू कश्मीर में भी था पहले, लेकिन यहाँ भी अब नहीं है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, और ये भी आंसर हो जाएगा अगर नए क्रम से पूछेंगे, लेकिन पिछले बार के क्रम से पूछेगा तो ये दोनों में से एक सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब केवल 6 राज्यों में है, याद रखिएगा कौन कौन से राज्यों में है। बिहार में है, कर्नाटक में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में है, हो गए ना 1 2 3 4 5, ये 6 राज्यों में आपका क्या है, आज भी क्या है, द्विसदन व्यवस्था। द्विसदन व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे विधानमंडल और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों समाहित है, केवल 6 राज्यों में ही है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो देखिएगा कौन कौन से, आपको हम बता दे रहे हैं, 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, ये 4-5 जो होता है क्या है, भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, बाकी विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, 15 16 19 29, ये सब केवल भारतीयों को है। चलिए, सत्यकथन चुनिए। एक राज्य में सभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? नहीं भाई साहब, कितने करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, याद रखिएगा। कितने सदस्यों को? तो 12। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हो। सत्यकथन चुनना है, आगे आइए बढ़ते हैं। अभी इसमें राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी गलत है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 मनोनीत करते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति 2, ये भी अब नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि 104वां संविधान सभा से ये भी खत्म हो गया है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। चलिए, सत्यकथन चुनना है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग को संसद नियुक्ति करती है, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो इसमें 1 सही है और सी सही है, क्योंकि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना, 280, और वित्त आयोग 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, दोनों सही है। आगे चलते हैं, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा में जो गण पूर्ति जो होती है वो 25 होना चाहिए, ठीक है ना। गण पूर्ति का मतलब होता है 1/10 भाग, तो राज्यसभा में 25 सदस्य की जरूरत पड़ती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है? तो एथिलीन में परिवर्तन, कौन सा डालता है? एथिलीन में परिवर्तन, ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं डालता है अभिक्रिया पर। कार्बन नैनोट्यूब निम्नलिखित में किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो फ्लोरीन्स का है। किस संरचनात्मक परिवार का है? तो फ्लोरीन्स का है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो बेल धातु में नहीं होता है, ठीक है ना। पीतल में जिंक होता है, जर्मन सिल्वर में होता है, गन मेटल में होता है। अच्छा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है, सिल्वर कितना परसेंट होता है? 0% होता है जर्मन सिल्वर में, याद रखिएगा।
फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस के कारण होता है ना। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस के कारण होता है ना, सिल्का पेपर टेक्सटाइल के नहीं, एस्बेस्टस के कारण होता है। संसद की प्रकलन समिति है क्या है? अस्थाई है ना। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति का बाध्यकारी होता है, एकदम सही है, अगर जो होता है बाध्यकारी होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, नहीं, ये भी एकदम सही है, किया गया। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है ना, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो यानी ये और ये अपने दोनों सही है, लेकिन ये दोनों जो होता है गलत है। और ये आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये सब मैथ का क्वेश्चन छोड़ते चलना है अपने को, सिर्फ अपने को जी के जी से ही पढ़ना है, मैथ और इंजीनियरिंग तो हम लोग बाद में कर ही लेंगे, बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए, केटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न से किसकी मात्रा कम करना था? तो किसका करना? ग्रीन हाउस गैसों का मात्रा कम करना है। केटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में, जो कि 2005 में प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जो था क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है ना, ये भी जापान में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए, ऊर्जा का स्तूप हमेशा कैसा होता है? तो ऊर्जा का स्तूप हमेशा सीधा होता है भाई साहब, हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा का स्तूप जो होता है, पिरामिड या स्तूप, कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस प्रकार का काठ का उपयोग होता है? तो बिलो का परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस प्रकार का काष्ट या लकड़ी का उपयोग होता है? तो बिलो पेड़ का, ठीक है ना। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो ये एक तरीके से क्या पूछ दिया है? कमल का फूल है, तो उसको एक साइंटिफिक रूप नाम उसका पूछ दिया, तो निलिम्बो न्यूसीफेरा है, याद रखिएगा। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं, ठीक है। निम्न से कौन सा एक कूटफल है? तो कौन सा है? पोम जो है कूटफल है। जब किसी फल का निर्माण, ठीक है ना, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है, कौन सा है? नेपेथिस है, ठीक है ना। कीट भक्षी वही जो कीटों का भक्षण करता हो, जो नाइट्रोजन को कमी को पूरा करने के लिए कीटों को मार के खाता हो। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना, ये नहीं थी पूछी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, एकदम नहीं था, पूर्ण रूप से नहीं खत्म किया था, चाय चीनी और पूर्वी देशों के साथ छोड़कर, ठीक है ना। तो ये सही है, व्यापारी देशों को शर्तों पर निवास, ये भी सही है। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों पर भारत निवास स्वतंत्रता दी गई थी, एकदम दी गई थी। चीनी कंपनी ने चाय व्यवहार सुरक्षित रखा था, एकदम सही है। तो इसमें आपका केवल क्या सही हो जाएगा? इसमें केवल बी सही हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को व्यापारिक अधिकार पूर्ण से समाप्त नहीं किया था, ये बहुत बाद में चल के समाप्त किया था, ठीक है ना। पूर्ण रूप से तो आपका 1813 के बाद 33 आएगा, उसमें पूर्ण रूप से इसका अधिकार खत्म कर देगा। एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो कितना होता है? तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है, कितना होता है? 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोद में शामिल होता है? तो तीसरा नियम होता है एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड सेम रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति काम करता है? तो बृहस्पति करता है, जिसका नाम जुपिटर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो पानी तापमान पर उबलेगा, कितने तापमान पर उबल जाएगा? तो 100 सेल्सियस के से भी कम पर उबल जाएगा। ये 74 पे, सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय
संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। देखिए विखंडन संलयन ये दोनों पे कार्य अलग अलग करता है। तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है तो हीलियम बनता है, तो ये हमेशा बनते रहता है। तो उसके लिए क्या होता है? संलयन का काम होता है मिलके। तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रयोग क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन का होता है। चलिए, पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो याद रखिएगा नाइट्रेट की कमी अधिकता के कारण। अच्छा, वहीं बोलेगा पारा से कौन सा होता है? तो पारा से मीन माता होता है ना। पारा से कौन होता है? मीन माता होता है, ठीक है। उसके बाद से इटाइटाइस किस होता है? तो कैंडियम से होता है, इटाइटाई होता है, इटाई इटाई जो होता है कैंडियम से होता है, कैंडियम से होता है इटाइटाई। तो ये सब हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रट लैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है? तो आवर कॉमन फ्यूचर। याद रखिएगा क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर। कहते हैं ब्रट लैंड रिपोर्ट के सतत के हिसाब से उसका शीर्षक क्या है? तो आवर कॉमन फ्यूचर, जो कि 1883 में हुआ था। कहाँ पे? गुरम ब्रट लैंड में। अध्यक्ष के वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के सतत विकास रिपोर्ट अपनी 1883 में प्रस्तुत की, जिसे ब्रट लैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, और 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को, ठीक है। चलिए, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित से किस फसल उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो भैया किस फसल के लिए जानी जाती है? तो रबड़ के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। मेघालय की गारो जो पहाड़ियाँ मुक्त चाय और वर्तमान में रबड़ बागानों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। भारत में वन नीति 1992 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? 1988 में किया गया था। याद रखिएगा 1952 जो अधिनियम आया था, वन अधिनियम जो आया था, तो इसको संशोधित कब किया गया था? 1988 में किया गया था, ठीक है। चलिए, निफा क्या है? तो NEFA, निफा क्या है? तो सिंपल सा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाने जाते हैं निफा को, जो कि साउथ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट चलता है ज़्यादा। आइए, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो रेड सिंधी जो है वो गाय से संबंधित है। रेड सिंधी, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित से किस से संबंधित है? तो गाय से संबंधित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, वहीं बोल देगा कि भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु क्या है जमीन से जो है, तो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो लोनावाला, ये सब जैसे बोरीवली जो पूछ देगा इस तरह कुछ क्वेश्चन जो बोलता है, तो इसे आप पकड़ सकते हैं सीधा सीधा, जो महाराष्ट्र में। तो लोनावाला कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी, ठीक है ना। भारत में ऊर्जा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में किया गया था। नामदफा वन जीव अभ्यारण्य या बाघ जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो नामदफा बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में, और डम्फा बोलेगा तो मिजोरम में, ठीक है। तो नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अन्नाई मुड्डी है, और वहीं नीलगिरी का बोलेगा तो दोडा बेटा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मैथ है हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। 91-92 किस लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका कैलेंडर समान होगा? तो इसका सिंपल सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जनवरी और जुलाई, देखिएगा दोनों में 31-31 हो जाता है। चलिए यही बढ़ते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा भाग एसिल स्रावित करता है? तो भैया कौन सा करता है? अमाशय, अग्नाशय, छोटिया, यकृत। तो अमाशय पेट में होता है, ठीक है ना, ना कि अग्नाशय। अग्नाशय का मतलब होता है कि जो अपना पैंक्रियाज होता है, अल्फा बीटा जो सेल होता है उससे जो इंक्रीज होता है, पेंसिलिन होता है, जिससे हम लोग को डायबिटीज होने का कम खतरा होता है। तो इसलिए अमाशय में जो होता है हम लोग का एसिड होता है स्रावित। इधर से 100 नंबर क्वेश्चन सीधा, क्वेश्चन बोल रहा है कलोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कलोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो गुजरात में है। याद रखिएगा कलोल विद्युत परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। तो कलोल विद्युत परियोजना
गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित है, यहाँ इफको का संयंत्र स्थापित है, इफको का संयंत्र स्थापित है, ठीक है ना। कलोल विद्युत परियोजना कहाँ है, कलोल तो गुजरात के गांधीनगर जिले में है और इफको का संयंत्र स्थापित है। तो याद रखिएगा आप लोग कि हम लोग फिर से आएंगे और नया सीरीज को करते रहेंगे इसी तरह। फिर कल हम लोग करेंगे 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दरोगा का, और दरोगा का बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाला है, 1829 पोस्टों के लिए अभी तक अनाउंसमेंट हुआ है। तो जितना जल्दी आप लोग तैयारी कीजिएगा बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। चलिए आज यहीं रखते हैं, कल हम लोग बिहार प्रारंभिक एसआई परीक्षा 2017 वाला क्वेश्चन पैक करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। और याद रखिएगा सर, वैकेंसी जो है अच्छा खासा रहा है ना, कम से कम मिनिमम जो सुनने में हम लोग पाया है 1829 पोस्ट है, और हम लोगों के लिए इसके लिए तैयारी करना है जमकर। चलिए नमस्कार दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।